मैंने इलम से मोहब्बत की है और इलम के असूल की जुस्तजू मेरा मकसद हयात है। मेरी रूह जिस्म से जुदा होकर बस जुदा कर दो बिलाल। साफ पता चल रहा है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, बात कर रहे हो तुम जिस्म से आजाद रूह की। तुम्हारा तो अपना जिस्म तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, रूह तो ऐसे लगता है मीलों दूर है तुमसे। सॉरी सर। तुम्हारे पास 5 दिन है, सिर्फ 5 दिन। ये प्ले फेस्टिवल में टॉप पर आना चाहिए और मुझे उम्मीद है तुम बेहतर कर सकोगे। और एक चीज और, ये इल्म कोई लफ्ज नहीं होता, इल्म लफ्ज होता है उर्दू जुबान में। ठीक है सर। फीसा गौरस परफॉर्म करेंगे ये। यार इसको क्या हुआ है, ये क्यों चला गया? अच्छा भला तो परफॉर्म कर रहा था, फिर इस तरह क्यों चला गया? यार मुझे लग रहा है वो कर लेगा अच्छी एक्टिंग, पहली बार कर रहा था ना शायद इस वजह से। एक्टिंग ही तो कर रहा था, प्रोफेसर सर ने भी यही कहा। ये अगर मैं होता ना तो उसे बताता कि फीसा वॉरिस कैसा होना चाहिए। अच्छा ऑडिशन में तो तुमसे हुआ नहीं? यार बस वो दरअसल ऑडिशन में मेरा मूड नहीं था इस वजह से। अच्छा यार छोड़ो, बिलाल कहीं नाराज़ ना हो जाए, चलो कैफे चलते हैं। ठीक है, चाय शाय पीते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, और बैठो। सर प्लीज़ मेरी कुछ मदद करें ताकि ये मैं करेक्टर अच्छी तरह अदा कर सकूं। बहुत आसान सा तरीका है, फीसा गौरिस की कही हुई हर बात को अपने पर तारी कर लो। याद रखो कि तुम एक नज़रिए को, एक सोच को परफॉर्म कर रहे हो। फीसा गौरिस इंसान नहीं था, वो एक नज़रिया था। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, परफॉर्म तुम ही करोगे, समझ आई? जी सर। ये लो ये किताबें अपने साथ रखो, पढ़ो, मदद करेंगी तुम्हारी, जाओ। चाय बड़ी कमाल की बनाता है। हाँ तुम्हें कौन से चाय के पैसे देने पड़ते हैं, मेरी सारी पॉकेट मनी तो तुम्हारी चाय पे लग जाती है। बस निकल गई सारी आश की बातें, तो तुम बड़ी बड़ी करते थे तारों सितारों की। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों, सोफिया मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने थे। मैं सोच रहा था कि ये किरदार बिलाल की जगह अगर मुझे मिला होता, मेरा मतलब है कि बिलाल भी ठीक ही कर रहे हैं मगर मैं बंद करो अपनी। यार बिलाल दोस्त है हमारा और ये किरदार उसके नसीब का था और वो ही करेगा। और वैसे भी अगर तुम अब प्रोफेसर साहब को कायल करोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोफिया यार अगर हम प्रोफेसर सर से बात करें तो इसमें क्या हर्ज है? मुझे लगता है तुम्हारा ना मार खाने का इरादा है। क्या यार अब तुम दोस्ती में इतना भी नहीं कर सकती, प्लीज ना। यार तुम्हें कौन समझाए। अच्छा ठीक है चलो उठो। काबुल यूनान और मिस्र के लोग, उन लोगों ने कुछ ऐसी इमारतें बनाई कि आज के दौरे जदीद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बावजूद हम उन अजूबों का मुकाबला नहीं कर सकते। दौरे कदीम के लोग जो हैं वो फन तामीर से बखूबी वाकिफ थे। सर क्या ये बात सच है कि फीसा गौरस जानवरों से भी बातें करता था? हाँ साहिब तुम ठीक कह रहे हो, फीसा गौरस के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं, जैसे कि वो यूनानी देवता पालप का बेटा था, उसकी रान सोने की थी, वो उड़ सकता था।
और वो ये भी क्लेम करता था कि उसने बेशुमार जन्म लिए हैं जिनमें से दो चार के बारे में तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन सर ये सब बातें तो अफसानवी हैं। सच अफसाने से ज़्यादा हैरान कौन होता है, जो चीज़ सोची जा सकती है वो मुमकिन भी होती है बेटा। हाँ, फिसागोरस ने पहली मरतबा अपने लिए फिलोसोफर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसका मतलब होता है इल्म से मोहब्बत करने वाला। सर हमारे लिए तो फिसागोरस आप ही हैं। नहीं, फिसागोरस एक नज़रिया है जिसे तस्लीम किया जा सकता है, और मैं आप लोगों के लिए फिसागोरस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो कहता था वो जानवरों से बात करता है और आप सब लोग मेरे लिए जानवर नहीं हैं। सेशन इज ओवर, फिर बात होती है। सच अफसाने से ज्यादा हैरान कौन है? ये क्या बात है? सच सच है और अफसाना अफसाना। बेटा जो चीज सोची जा सकती है ना वो मुमकिन होती है। अक्सर तसव्वुर तसव्वुर ही रह जाते हैं, कहाँ मुमकिन होते हैं। आराम से खा लो यार, इतनी इंसल्ट जाएगी। एक तो ना मुझे इन दोनों की समझ नहीं आती, एक हर वक्त कॉल पे लगा रहता है, दूसरा हर वक्त घोड़े पे सवार। तुमने मुझे कुछ कहा है? नहीं। साइम तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका के बैठे हो आज? यार आज निम्रा के साथ मूवी का प्लान था और वो कह रही है कि कंग फू पांडा देखनी है। लो बताओ हम बच्चे हैं क्या? अरे यार इतनी औसम मूवी है, अगर मैं फ्री होती तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलती। लो यकना शुद्ध दो शुद्ध, अब हम बड़े हो गए हैं, ये कार्टून एनिमेटेड मूवीज हमारे लिए नहीं है। सही कह रहे हो, तभी तुम दोनों इस यूनिवर्सिटी में बच्चों की तरह लड़ते हो। यार आज मैं अच्छे से तैयारी करके आई और ये बिलाल फिर से चला गया, मैं क्या करूं यार, मुझे परफॉर्म करना था आज। लेकिन क्या हुआ गाइस, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चुप करो तुम। यार सोफी तुम मेरी बात सुनो यार, तुम्हें पता है मैं आज इतनी अच्छी तैयारी करके आई हूं, लेकिन तुम देखो ना बिलाल फिर से चला गया, मैं क्या करूं। बिलाल कहां चला गया? यार उसके घर से कोई कॉल आ गई थी, शायद कोई इमरजेंसी बन गई है, कह रहा था मैं कुछ देर तक आ जाऊंगा। अच्छा क्या क्या किया तो फिर आ ही जाएगा। जरा पीछे होना साइम, मेरी बात सुनो यार, जिस सीन में बिलाल जमीन से उठता है ना उसका साउंड ट्रैक हमें बहुत अच्छा करना है, इससे पता है क्या होता है सीन में जान आएगी। हाँ यार सोफी बिल्कुल ठीक कह रही है, जो पिछली दफा वाला साउंड था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे भी नहीं पसंद आया था। हेलो Thank you.
बिलाल को क्या हुआ? दानिश भाई, बिलाल भाई की तबीयत बहुत खराब है। अच्छा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा यार। मैं डॉक्टर सर से बात करता हूँ अभी, ठीक है? ठीक है, तुम हौसला करो। जाओ दानिश, पूछो डॉक्टर से क्या हालत है उसकी। हाँ ठीक है, तुम बैठो, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। आंटी बिलाल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें। हाँ, तुम जाओ ना, तुम उसे कहो कि तुम्हारी माँ बाहर इंतजार कर रही है। जल्दी आ जाएगा आंटी। सच सच कह रही हूँ। हाँ जी आंटी, तुम उसे ले आओगी। जैन आप प्लीज़ आंटी के पास बैठो। सोफी, डॉक्टर का कहना है कि बिलाल के सर पर चोट लगने की वजह से उसकी जान खतरे में है। तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? सोफी तुम इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? मैं पत्थर दिल नहीं हूँ दानिश, मैं सिर्फ हकीकत से आशना कर रही हूँ। जिंदगी और मौत के खेल में कब मौत जीत जाए किसे मालूम है। सोफी कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि इस टाइम बिलाल का ऑपरेशन बहुत बेहतरीन डॉक्टर कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं होगा। क्या इंसान अपनी सलाहियत की वजह से अपनी मौत को शिकस्त दे सकता है? हाँ बिल्कुल दे सकता है, इंसान अपनी तकदीर अपनी सलाहियत से बदल सकता है। तुम्हें इस बात का इल्म है कि डॉक्टर सुफियान का सक्सेस रेट 100% है ऐसे क्रिटिकल केसेस में? जिंदगी और मौत का ताल्लुक तकदीर से होता है, सलाहियत से नहीं होता। प्लीज ऐसी बातें मत करो, इंसान अपनी गलतियां भी तकदीर पर डाल देता है। मैं मुत्तफिक नहीं हूँ तुम्हारी बात से, तकदीर अपनी अहमियत रखती है और बहुत वाजिया रखती है। वो कैसे? पैदाइश से शनाख्त तक किसी भी चीज़ पे तो हमारा इख्तियार नहीं है, कहाँ पैदा होना है, रंग, मजहब, जात, ये सब चीज़ें तकदीर की ही तकसीम है। हम इन चीज़ों का दिफा उम्र भर करते हैं जिनके हसूल में हमारा तो कोई इख्तियार ही नहीं है। डॉक्टर सर, बिलाल की तबीयत। आई एम सॉरी यार, उसको हम बचा नहीं सके। मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से था वो, बहुत दुख हुआ मुझे। खुद को संभालें इरफान, बाकी स्टूडेंट्स को आपकी ज़रूरत है। उसमें एक क्वालिटी थी, एक दिन वो कामिलुल अकल और कामिलुल इखलास बन सकता था। जिंदगी को उसके बेहतरीन तनाजुर में समझ सकता। अल्लाह को यही मंजूर था इरफान। रूह की भी एक जिंदगी होती है, रूह लाफानी है। मुझे यकीन है कि वो हमेशा की जिंदगी में वो सब कुछ पा लेगा जो उसे यहां नहीं मिल सका। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपको सुबह हर हाल में यूनिवर्सिटी जाना होगा, कोई और बिलाल आपका इंतजार कर रहा होगा। आप
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दरअसल सोफी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। एक बिलाल की मौत और दूसरा क्या? तुम्हारी ये तकदीर वाली बात मेरे जहन से बाहर ही नहीं आ रही। अगर हर चीज़ पहले से तय है तो इंसान की ज़िंदगी में उसकी हैसियत और उसका मकसद क्या है? सोफी, ये रिश्ते इतने मज़बूत क्यों होते हैं कि इंसान को दुख से निकलने नहीं देते? देखो दानिश, इंसान की हकीकत यही वो सवाल है जिसकी जस्तजू हमारी ज़िंदगी का मकसद है। सोफी, तुम्हारा इल्म सिर्फ इंसान को मायूस करता है। कम से कम साइंस इंसान को उम्मीद तो देता है ना, और साइंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमल की अहमियत है। साइंस और फ़लसफे की बहस बहुत पुरानी है, और मेरे ख्याल में फ़लसफे ही नहीं इंसान को सवाल करना सिखाया है, और यही तमाम उलूम की बुनियाद भी है। इन सब बातों का क्या मकसद है? पिछले एक हफ्ते से मेरी ज़िंदगी बेमकसद हो गई है। अगर तुम ना होती ना तो मैं आज भी यहाँ ना आता। कैसे हैं? उसकी डेथ ने हम सबको बहुत दुखी कर दिए, और जब से वो गया है दानिश बहुत कंफ्यूज है। कंफ्यूज? सर मैं कंफ्यूज नहीं, मैं डर गया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जान गया हूँ सर कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तकदीर है। आखिर में होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। सर मैं तकदीर के बारे में जानना चाहता हूँ। इसका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले ये बताओ तुम्हें अपने दोस्त की जिंदगी खत्म होने का दुख है ना? जिंदगी की हकीकत क्या है? जिंदगी, जिंदगी बस जीने का नाम है। बिलाल की मौत से मुझे एक बात का तो आइडिया हो गया कि इंसान जितनी मर्जी कोशिशें कर ले मगर आखिर में वही होता है जो पहले से लिखा होता है। जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने का नाम तो नहीं है। मेरे सवाल का मतलब ये था कि जिंदगी की हकीकत क्या है? सर जिंदगी की हकीकत जिंदगी के मकसद को तलाश करना ही है। वेरी गुड, ये भी एक खूबसूरत जवाब हो सकता है। हर इंसान का मकसद अलग है, तो सर हम अपने मकसद और अपने वजूद की हकीकत को कैसे तलाश करेंगे? वैसे जैसे फीसा गोरस ने की थी इल्म के जरिए। फीसा गोरस का नाम जहन में आते ही शऊर की सतह बुलंद हो जाती है। मगर सर आपने बताया नहीं कि हकीकत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये तो फीसा गौरस से ही पूछा जा सकता। मैं समझा नहीं सर, क्योंकि वो तो अब मौजूद ही नहीं। अपने लाशऊर में झांक कर देखो, तुम खुद को उसकी महफिल में पाओगे, वहां पूछ लेना उससे। मगर सर ये कैसे मुमकिन है? आंखें बंद करो और तसव्वुर करो कि तुम जमा और मकान की कैद से आजाद हो।
बेशक तुम्हें कमजोर करते हैं, माजूर करते हैं, पर कामिल यकीन तमाम हुदूद को पाश पाश कर देगा, नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। ये जो हमारा लाशऊर होता है ना, इसमें इंसानी तारीख का तमाम तर इल्म मौजूद होता है। मैं तुम्हें लाशऊर में झांकना सिखाऊंगा, बस तुम मुझसे कामिल यकीन का वादा करो। आगे अलामत। दुनिया की तमाम अशिया आदात से बनी है। इल्मे रियाजी ही कायनात की पहचान है। अलामत से हम कायनात की हर हकीकत को पहचान सकते हैं। हकीकत क्या है? दुनिया की हर चीज की एक बुनियाद होती है। जब हमारा जहन किसी चीज को देखता है तो उसके बारे में सोचता है, जिसकी इकाई से वो निकली होती है। ये इकाई कायनात की हकीकत है, पर हकीकत कामिल होती है। इंसान अपनी जिंदगी की हकीकत को कैसे पहचान सकता है? इल्म से, तस्किया से। तस्किया से? तस्किया नफ्स क्या है? अपनी रूह, अकल, अखलाकियात को पाकीजा रखना, अपनी ख्वाहिशात और नजरियात को फासूदा सोचों से आजाद रखना, उसे छुटकारा पा लेना, तस्किया नफ्स। तस्किया नफ्स कैसे मुमकिन है? इल्म से। इल्म इंसान के दिमाग के बंद दरवाजे खोल देता है, उसे बसीरत अता करता है, जिससे इंसान अपने अंदर की कमी और खामी को पहचान लेता है, अपने अंदर मौजूद गलाजत और नजासत से आजादी हासिल कर सकता है। इल्म इंसान को डर, शक और इबहाम पर काबू पाने के काबिल बनाता है। इसीलिए तो अहले फिक्र अहले मैदान पर गालिब है। इल्म तो लामुतनाही है। वो कौन सा इल्म है जिससे इंसान के मसलों का हल निकल सकता है? इल्म बजाते खुद हकीकत की तलाश है। वो इल्म जो बेगर्ज होकर इंसान को जीने के काबिल बना दे, तज़किया नफ्स सिखा दे। दरअसल इंसान के ताल्लुकात उसका किरदार बनाते हैं, जिससे साबित होता है कि उसमें इल्म की प्यास है
या नहीं। आप कौन हैं? मैं माजी हूं, मैं हाल हूं, मैं ही मुस्तकबिल हूं, क्योंकि मैं जिस्म नहीं एक नजरिया हूं। इसका मतलब जो मुझे बताया गया था वो ठीक था। इल्म की दुनिया में कुछ भी हर्फे आखिर नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ लचक मौजूद होती है जिसकी बुनियाद पर इख्तलाफ किया जा सकता है। मगर ये सब सीखना जरूरी क्यों है? कुछ इल्म जानने के लिए होते हैं, मानने के लिए नहीं। इनसे इंसान की जहनी सतह बुलंद होती है। सबसे पहले खुद को पहचानो कि तुम कौन हो। सर, आपसे एक बात करनी है। बिलाल तो रहा नहीं, अब उस प्ले का क्या होगा? मुश्किल है कि वो प्ले अब हो। मेरे ख्याल में सबको इतला दे देनी चाहिए कि वो प्ले अब नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने जल्दी दूसरा बिलाल कहां से लेकर आऊं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फीसा गौरस, हमारा बिलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। चूंकि वो हमारे इस प्ले का एक मरकजी किरदार था, मैंने मुनासिब यही समझा है कि हम इस मुकाबले से दस्तबरदार हो रहे हैं। लेकिन सर, हमारे पास अभी एक दिन बाकी है, हम कोशिश करके किसी को तैयार कर सकते हैं। मुमकिन नहीं है ये बेटा। मैंने इल्म से मोहब्बत की है, इसके हसूल के लिए जस्तजू करना मेरा मकसद हयात है। मेरे जिस्म से रूह जुदा हो सकती है लेकिन इल्म नहीं। हिकमत से मोहब्बत और जस्तजू का नाम ही फलसफा है। और हां, मैं एक फलसफी हूं। वेल डन दानिश, मुझे खुशी है कि तुमने खुद को पहचान लिया है। पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबक सारी जिंदगी तुम्हें याद रहेगा।